सीकर के बजाज रोड पर स्थित गणपति टावर के बाहर लगे एसबीआई के एटीएम को देर रात को अज्ञात लुटेरे कटर से काटकर लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। गणपति टावर के बाहर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिताची कंपनी की ओर से एटीएम लगाया है। एटीएम में लाखों रुपए भरे हुए थे। रात को लुटेरे एटीएम की मशीन काटकर एटीएम को लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं पुलिस ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। ये हमारा हिताची का एटीएम है और रात को हमें अलर्ट मिला था इसका कि यहाँ पे चोरी हो रही है, तो हमने गए तुरंत जाके गया थाने पे, हमने इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस मौके पे पहुंच गई। कितना क्या क्या लॉस हुआ है केस, वो अभी हमें पता नहीं चल पाया है। केस टीम बताएगी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वारदात किस तरह से की थी उन्होंने? एटीएम दे दिया या नहीं? गैस कटर से काट के वारदात करी है, तो अभी उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। आगे की जानकारी पुलिस वाले आपको बताएं। कहां पर लगा हुआ है एटीएम, किस जगह पर? ये अपने गणपति टावर सीकर में लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बता दो। कुलदीप सिंह? हाँ, हिताची से हूँ।